प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों के लिए ये खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने रीट की फाइल एक बार फिर चुनाव आयोग को पहुंची है। शिक्षा विभाग से ये जो रीट की फाइल है एक बार फिर से चुनाव आयोग पहुंची। आचार संहिता में भर्ती विज्ञप्ति की अनुमति के लिए फाइल को भेजा गया है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को ये फाइल लौटा दी थी। चुनाव आयोग ने कुछ जानकारी मांगी थी। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जानकारियों के साथ फिर से इस फाइल को भेजा गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के साथ ही जल्द रीत जो जो भर्ती की जो विज्ञप्ति है जिसका इंतजार है अभ्यर्थियों को काफी लंबे समय से, वो जारी हो जाएगी। यानी करीब 12 लाख बेरोजगारों के लिए ये रात की खबर होगी अगर चुनाव आयोग की अनुमति मिल जाती है। फिलहाल शिक्षा विभाग से रीट की फाइल को एक बार फिर चुनाव आयोग भेज दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने ही शिक्षा विभाग को ये फाइल लौटा दी थी। पहले भी एक बार शिक्षा विभाग ने फाइल चुनाव आयोग के पास भेजी थी रीट की, लेकिन चुनाव आयोग ने फाइल को लौटा दिया था। चुनाव आयोग ने कुछ जानकारियां मांगी थी। एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से सभी जानकारियों के साथ फाइल दी गई है। चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के साथ ही जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग अगर अनुमति दे देता है तो जल्द से जल्द भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी होगी, जिससे 12 लाख के करीब बेरोजगारों के लिए एक राहत की खबर है। अगर रीट भर्ती की विज्ञप्ति अगर जारी होती है तो जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।